नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से अनुसंधान अर्थात रिसर्च की कक्षा में उपस्थित हूं, जिसमें आज एक खास टॉपिक है जो कि महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि जिसको केंद्रीय समूह परिचर्चा, जिसको कि हम फोकस ग्रुप डिस्कशन के नाम से जानते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में FGD के नाम से जानते हैं। अब सबसे पहले हम जान लेते हैं कि केंद्रीय समूह परिचर्चा जिसको कि हम फोकस ग्रुप डिस्कशन कहते हैं वो क्या है। तो किसी भी शोध समस्या के समाधान के लिए किसी विशेष समूह पर या किसी समूह विशेष पर केंद्रित होकर की गई चर्चा परिचर्चा ही क्या कहलाता है, तो फोकस ग्रुप डिस्कशन या समूह केंद्रित परिचर्चा कहलाता है। इसी को हम केंद्रीय समूह परिचर्चा के नाम से या FGD के नाम से भी जानते हैं। वस्तुतः अब हम देखते हैं कि अब ये तो समझ में आ गया कि किसी शोध समस्या के निदान के लिए किया जाता है और उस समाधान के लिए किसी एक फोकस ग्रुप समूह का एक निर्माण किया जाता है और समूह में किसी एक समस्या को लेकर के ही वो समूह केंद्रित होता है और उसमें जो डिस्कशन निकल के अर्थात निष्कर्ष निकल के सामने आता है हम उसी को क्या कहते हैं, केंद्रीय ग्रुप डिस्कशन कहते हैं या केंद्रीय समूह परिचर्चा के नाम से उसको जानते हैं। अब ये जो फोकस ग्रुप डिस्कशन है ये किसी भी मीडिया, मानविकी या सोशल साइंस वगैरह के से संबंधित जो प्रयोग किए जाते हैं या शोध किए जाते हैं या समस्या दी जाती है उसमें ये विशेष करके सामने आता है और विशेष करके इसका उपयोग किया जाता है। मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो फोकस ग्रुप डिस्कशन में दो तीन चीज़ें आपको समझ में आएगी कि इसमें भागीदारी का होना बहुत जरूरी है। क्या होना जरूरी है? भागीदारी, अर्थात मुख्य रूप से किसी भी भागीदारी से संबंधित विशेष गुणात्मक शोध पर इसकी चर्चा परिचर्चा की जाती है। अर्थात कह सकते हैं आप कि गुणात्मक तथ्यों में अर्थात गुणात्मक शोधों में इस केंद्रीय समूह परिचर्चा का प्रयोग विशेष कर किया जाता है। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल गुणात्मक शोधों में ही किया जाता है, इसको मात्रात्मक शोध में भी किया जाता है, लेकिन विशेष रूप से इसको गुणात्मक शोधों में ही इसका उपयोग किया जाता है। अब ये जो फोकस ग्रुप डिस्कशन है ये किसी भी समस्या का जो गुणात्मक या मात्रात्मक हो उसके आंकड़ों के संकलन के लिए ये बेहद उपयोगी सिद्ध होता है। खास करके अगर आप गुणात्मक शोध की बात करेंगे तो क्योंकि वो केंद्रित समूह का उसमें भागीदारी होता है और उससे जो निष्कर्ष निकल के सामने आता है उसमें उसके आंकड़ों में ये विशेष करके इस्तेमाल किया जाता है। और ख़ास करके आप देखेंगे तो गुणात्मक शोधों में ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। खास करके आप जब देखेंगे कि ये FGD अर्थात फोकस ग्रुप डिस्कशन जो है वो किसी भी मार्केट तथ्यों में या बाज़ार से संबंधित शोधों में या उससे संबंधित रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मार्केट से संबंधित चीज़ों के लिए अगर इस्तेमाल किया जाता है तो किसी भी प्रोडक्ट का लॉन्च करने वाले हैं उस प्रोडक्ट के लॉन्च से पहले और प्रोडक्ट के लॉन्च के बाद हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम एक उदाहरण के तौर पर बताते हैं कि अगर हमें कि कोई भी मान लीजिए कि अखबार एक साप्ताहिक है, ठीक है, ये क्या है, साप्ताहिक अखबार। अब मुझे एक साप्ताहिक अखबार लॉन्च करना है मार्केट में, मान लीजिए कि दिल्ली का इलाका है और मुझे साप्ताहिक अखबार को मुझे लॉन्च करना है। अब मुझे जब लॉन्च करना है तो इसके लिए मुझे तथ्य को इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ेगी, अब इसके लिए मुझे रूपरेखा बनाने की ज़रूरत पड़ेगी, इसके लिए मुझे तथ्य से संबंधित कि कैसे हम क्या कर सकते हैं इसके संबंध में सब कुछ जानकारी इकट्ठा करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए फोकस ग्रुप डिस्कशन अर्थात FGD जो है वो बेहद उपयोगी होता है। कैसे, अगर मान लीजिए कि मुझे अगर दिल्ली में अखबार, साप्ताहिक अखबार लॉन्च करना है तो उसको हम क्या करेंगे, फोकस ग्रुप डिस्कशन में कुछ लोगों को हम बिठाएंगे और कुछ लोगों को बिठाने के बाद हम उससे संबंधित, अब जैसे कि एक एरिया से हम फोकस ग्रुप डिस्कशन में ले लिए कुछ लोगों को जो महत्वपूर्ण लोग हैं उनको ले लिए और उनसे हम अखबार में लोग क्या पसंद करते हैं, क्या पढ़ना पसंद करते हैं, किस पेज को पढ़ना पसंद करते हैं,
कैसे खेल से संबंधित पेज को, या फिर राजनीति से संबंधित है, या शेयर मार्केट से संबंधित है, या अन्य से संबंधित जो चीज़ें हैं, या मनोरंजन से संबंधित है, किस पेज को ज़्यादा लोग लाइक करते हैं, ये हमें सामने में आ जाएगा। फिर उसमें ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की उसमें ज़रूरत रहेगी या नहीं रहेगी, कितने पेज का अखबार होना चाहिए इससे संबंधित, उसमें कैसे तथ्य होने चाहिए, ये सब सारी, अर्थात मुख्य रूप से सारी जानकारी कि कैसे लोगों के पसंद और नापसंद क्या क्या हैं, उससे संबंधित चीज़ों को हमें यहाँ पर ग्रुप डिस्कशन जब हम करते हैं तो ये सब सारी बातें हमें छन करके आ जाती हैं। और जब छन करके आ जाती हैं तो हम क्या करते हैं, उससे संबंधित चीज़ों को हम नोट डाउन कर लेते हैं, और फिर हम अपने रूपरेखा अर्थात जो भी हमें साप्ताहिक अखबार जो लॉन्च करना है उससे संबंधित जो तब्दीलियां हमें करनी है उसमें हम उसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम फिर चलते हैं कि जब हम पोस्ट ग्रुप डिस्कशन करते हैं, अर्थात क्योंकि मैंने बताया कि जब हम लॉन्च कर दिए और लॉन्च करने के पश्चात भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो मान लीजिए कि हम ये जो साप्ताहिक अखबार था इसका एक वर्ष हो गया। अब जब एक वर्ष हो गया तो एक वर्ष के पश्चात हम पुनः देखना चाहते हैं कि हमारा जो साप्ताहिक अखबार है वो कितने हद तक लोगों तक पहुंचा है और कितना लोकप्रिय है या नहीं है, इसमें किस चीज़ की अपेक्षित है, किस कौन सा चीज़ अपेक्षित नहीं है, इन सारी चीज़ों को देखने के लिए फिर से हम क्या करते हैं कि वही ग्रुप डिस्कशन करते हैं कि वहाँ पर कुछ कुछ एरिया में से लोग ले करके हम उसका ग्रुप डिस्कशन कर लेते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन के उपरांत हमें ये बातें समझ में आती है कि ये फलाना पेज में जो हम तथ्य इकट्ठा करते हैं वो लोग पसंद नहीं करते हैं, और फलाने पेज में जो हम चीज़ देते हैं वो लोग पसंद करते हैं, इससे इसके इसका जो पेजेज है उसको और बढ़ाने चाहिए या इसको घटाने की ज़रूरत है, या फिर इसमें क्या क्या तब्दीलियां हम कर सकते हैं जो कि जितने भी लोग हैं अर्थात हमारे जो पाठक हैं वो उसको और ज़्यादा पसंद आए और हमारा पहुंच और भी ज़्यादा बढ़ जाए, अर्थात हमारे अखबार की जो लोकप्रियता है वो और ज़्यादा बढ़ जाए, इससे संबंधित चीज़ों के लिए भी हम क्या करते हैं, फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं। तो मुख्य रूप से हम कभी भी किसी भी चीज़ों को लॉन्च करने के लिए या उसको देखने के लिए कि इसका तथ्य क्या है, इसकी सेवा क्या है, इसकी योजना क्या है, तो किसी भी सेवा के लिए, किसी भी चीज़ को लॉन्च करने के लिए, किसी भी योजना को लॉन्च करने के लिए, या किसी अन्य तथ्यों की जानकारी के लिए हम फोकस ग्रुप का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब हम देखेंगे कि फोकस ग्रुप डिस्कशन जो हमारा है उसमें कितने लोगों का समूह होना चाहिए। दरअसल फोकस ग्रुप डिस्कशन जो है उसमें मुख्य तौर पर 6 से 8 लोगों का एक समूह होना चाहिए जो कि एक आदर्श फोकस ग्रुप डिस्कशन होता है, और फिर इस फोकस ग्रुप डिस्कशन का जो समयावधि है वो 25 मिनट से लेकर के 40 मिनट तक का होना चाहिए। अब 25 मिनट से 40 मिनट तक का होना चाहिए, लेकिन इसको अगर हम और ज़्यादा समय में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसका मैक्सिमम 1 घंटा से मैक्सिमम 1.5 घंटा तक ये समयावधि होनी चाहिए, इससे ज़्यादा की समयावधि नहीं होनी चाहिए। किसी भी समाजों की जो मांग है उसके क्या कि उसकी क्या आवश्यकताएं हैं, उसकी क्या ज़रूरत है, या हमारे शोध की क्या ज़रूरत है, उसके हिसाब से हम अपने तथ्यों को, हम प्रश्नों को या हम अन्य चीज़ों को उसमें समाहित करते हैं और संबंधित जानकारी हम लोगों से लेने का काम करते हैं। ये फोकस ग्रुप डिस्कशन का मुख्य रूप से यही तौर तरीका है। अब जब भी हम फोकस ग्रुप डिस्कशन करते हैं तो फोकस ग्रुप डिस्कशन में आप देखेंगे कि एक कोई ना कोई मॉडरेटर होता है। क्या होता है? मॉडरेटर होता है जो कि वो जैसे कि मैंने बताया कि 6 से 8 लोगों का एक ग्रुप समूह होता है जिस पर हम पूरा डिस्कशन इसमें रखते हैं, और उसमें से एक शोधार्थी जो भी शोधार्थी है वो एक को मॉडरेट चुन लेता है। अब मॉडरेटर का क्या काम होता है कि वो सारे प्रश्नों को जो सुलझे हुए प्रश्न हैं उसको वो पूछे, जितने भी प्रतिभागी हैं उसके सामने उसको वो पूछे, और पूछने के पश्चात एक चीज़ इसका होना बेहद ज़रूरी है कि ये मॉडरेटर ऐसे आदमी हों जो कि पूर्णतः निष्पक्ष हों,
किसी भी के साथ पक्षपाती ऐसा नहीं होना चाहिए कि मॉडरेटर ही है लेकिन वो पक्षपाती निकल गया, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ ही ये मॉडरेटर जो होगा वो संपूर्ण जितने भी समूह हैं उसके साथ वो प्रतिभागी का भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि वो केवल अध्यक्षता कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इसका इसी निष्पक्षता का होना बेहद जरूरी होता है। साथ में आप क्या कर सकते हैं, तो जब भी आप मॉडरेटर, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो शोधार्थी होते हैं वो शोधार्थी खुद ही मॉडरेटर का काम कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो मॉडरेटर का काम नहीं कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं क्योंकि उसमें निष्पक्षता की जरूरत होती है। अगर हमें ग्रुप समूह है हमारा, अब ग्रुप समूह को हम और ज़्यादा निष्पक्षता की बात करते हैं तो हमें क्या चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक किसी खास रिकॉर्डर की, जो कि ऑडियो रिकॉर्डर हो सकता है या फिर वीडियो रिकॉर्डर हो सकता है, उससे हम क्या करेंगे, पूरे समूह की जो डिस्कशन होंगे उसको हम कैप्चर कर लेंगे ताकि अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम अन्य फिर से उसको हम दोहरा करके उसको सुन या देख सकें। फिर जब जो भी मॉडरेटर होता है वो उनका एक चीज़ का होना बेहद ज़रूरी है कि जो भी महत्वपूर्ण तथ्य निकल के सामने आता है उसको तुरंत वो नोट डाउन कर लें, ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दें आप और बस ऐसा चलता रहे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, उसको वो तुरंत नोट डाउन कर लें, ऐसा होना चाहिए। अब हम देखेंगे कि मॉडरेटर जो हो वो कैसा होना चाहिए, तो जैसे कि हमने बताया कि सबसे पहले तो आप पक्षपाती बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, साथ ही साथ मॉडरेटर का कुशल होना बेहद ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कि वो कुशलता नहीं दिखला रहा है या अगर प्रश्न पूछना ही उनको नहीं पता है तो फिर मॉडरेटर किसी काम का नहीं होता है। साथ ही वो कुशलता के साथ ही वो प्रश्न पूछने का ढंग भी, उसका क्रमबद्धता भी उसमें होनी चाहिए और योजनाबद्ध रूप से उनका प्रश्न पूछने का एक माध्यम होना चाहिए जो कि मॉडरेटर कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि किसी भी खास समूह विशेष पर केंद्रित ये परिचर्चा चर्चा होती है, तो जब भी हम किसी भी शोध समस्या का समाधान करने के लिए हम अपने प्रश्नों की श्रृंखला को का निर्माण करते हैं क्योंकि हमें तो उसमें प्रश्न पूछना है, तो प्रश्न ऐसे ना हो कि जो अनसुलझे प्रश्न हो गए या उलझे हुए प्रश्न हो गए, ऐसे प्रश्न बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, प्रश्न बिल्कुल सटीक और सरल होने चाहिए। फिर प्रश्नों में वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए और साथ में खराब शब्दों का बेहद बिल्कुल इसमें स्ट्रिक्टली कि खराब शब्दों का इस्तेमाल एकदम नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़ें कि इसमें अगर मान लीजिए कि आप कोई भी चीज़ें पूछ रहे हैं तो वो सरल और शालीनता के साथ प्रश्नों का उत्तर होना चाहिए। इसके साथ ही ऐसा आप प्रश्न बिल्कुल भी ना पूछें या इस प्रश्नों से बचें जो कि केवल हाँ और ना में प्रश्नों का जवाब होता है, ऐसे प्रश्न बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए, बल्कि प्रश्न ऐसा पूछना चाहिए जो कि प्रश्नों के उत्तर कुछ विस्तार पूर्वक वो जो देने वाला उत्तर है वो दे सके। तो प्रश्न की जो श्रृंखला है वो इस प्रकार की होनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि आज ये जो केंद्रीय समूह परिचर्चा है अर्थात फोकस ग्रुप डिस्कशन है, इसके बारे में आपको बेहतर रूप से आप जाने होंगे और अगर आपको पढ़ाई अच्छी लगती है तो आप एजुकेशन प्रोफा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको सभी वीडियो आप तक पहुँचते रहे। धन्यवाद।